बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज हम लोग अपने दिखा रहे हैं आपको अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन। तो बताएं अम्मी, रमज़ान में हमने क्या क्या लिया? हाँ, बस सारे रमज़ान आते हैं, हर एक का दिल चाहता है कुछ ना कुछ न्यू ले। हमारा भी दिल चाहता है तो हमने कहा चलो कुछ ना कुछ हम भी हमारा भी कुछ तो ले आए। सही बात है, एक तो होता है महंगाई ने तो वैसे सबकी कमर तोड़ रखी है, लेकिन फिर ये होता है कि कुछ ना कुछ बंदा चलो ले ही आए। हाँ, तो हम लोग आज $1 शॉप पे गए थे, एक जो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। हाँ, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप लोग भी वहाँ जाए लाजमी जाइएगा, सर्वे किए करिएगा वहाँ का। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको उसका विजिट करवा सकती हूँ, अगर आप लोग बोले तो मैं इसके तो मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगी, ठीक है? अगर आप लोग मुझे कमेंट में देगा कि मैं उसकी वीडियो शेयर करूँ शॉप की या नहीं, ठीक है? अगर बोलेंगे तो मैं कर दूंगी। लाजमी बता दीजिएगा इस चीज़ का ना, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को बताइएगा कि हम लोग आपसे शेयर करेंगे। चले भाई मैं, सबसे पहले हम क्या आप क्या दिखाना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये, जाहिर है जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रमज़ानों में बर्तन। हाँ हाँ, डिनर तो हम लोगों ने काफ़ी शायद एक साल पहले लिया था डिनर सेट। हाँ, एक साल हो गया होगा डिनर सेट, और बस अब हमने फिर शायद पूरा साल हो गया, तो एक साल में तो इंसान ले लेता है। हाँ, तो बस थोड़े बहुत लिए, पूरा हाँ पूरा कंप्लीट नहीं लिया, लेकिन जो ज़रूरी थी वो चीज़ें वो लिए, चीज़ें थी वो ले लेते। और चले अम्मी दिखाना स्टार्ट करें आप। हाँ, ये देखेंगे कितना अच्छा मुझे ये ट्रे लग रही थी, ये वाली ट्रे मुझे भी अच्छी लग रही थी, ये वाली, ये उसका स्टाइल बहुत, इसका स्टाइल बहुत प्यारा है। और अब यहाँ पर एक आती है, ये कौन सी, ये सैलेड की है। अच्छा, सर फ्रूट चाट भी रख सकते हैं अम्मी? हाँ, वो भी रख सकते है ना, उसके लिए भी अच्छी। ये पूरा ऑरेंज कलर का है, वैसे तो हमें येलो कलर का बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं था पूरा कंप्लीट, तो फिर हमने बस ये फिर ऑरेंज कलर का ले लिया, क्योंकि बहुत रश है और चीज़ें ऐसे शॉर्ट हो रही हैं। रश तो बहुत है, क्या ही बोले रश के। ये बॉल लिए हैं, हाँ ये बॉल्स हैं, और ये तकरीबन हमें कितने कितने के मिले, 200 रुपीज़ का एक बॉल था ये, तो हमने हर चीज़ पे प्राइस लिखे हुए वहाँ पे। हाँ, प्राइस हर चीज़ पर, एक एक चीज़ पर लिखे हुए हैं, आप लोग आराम से, मतलब कोई मुश्किल नहीं होगी आपको कि क्या प्राइस है, मतलब काफ़ी आसानी से आपको प्राइस ही पता चल जाएंगे। काफ़ी मजबूत सेट है। हाँ, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, हम लोग चेक करके लाए तो। और ये छोटी वाली जो प्लेट्स हैं ये 100 रुपीज़ की एक है, ले ली थी। हाँ, ये 6 प्लेटें हैं, और वो कोई कभी कोई गेस्ट आ जाए तो फिर ईद के लिए रमदान में वैसे भी चीज़ें लेने से, और वैसे भी इसका हिसाब किताब भी नहीं होता जब रमदान में चीज़ें ली जाती हैं, और जो भी कपड़े वगैरह हर चीज़ जो भी आप लोग रमदान में जो पहनते हैं उसका हिसाब किताब नहीं होता। और ये हाँ, ये बड़ी वाली है ना, क्या प्राइस है इसकी अम्मी? हाँ, ये 150 रुपीज़ की एक प्लेट है, और बस ठीक है। और ये डिश दी है अम्मी ने, एक ही ली है 200 रुपीज़ की ली है वैसे तो। ये है हमारा टिश्यू बॉक्स। हाँ, ये प्यारा लग रहा था मुझे ना, अच्छा लग रहा था, ये हम लोग लेके आ गए थे सामान, उसके बाद बाकी मुझे ये किसी के पास नज़र आया तो मैंने कहा ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये लेके आते हैं। मुझे तो खैर इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन अम्मी को काफ़ी, क्या प्राइस है इसके? इसके प्राइस है 150 रुपीज़। अच्छा लग रहा था मुझे। और बस अब क्या थी, और यहाँ पर हमने चीज़ भी ली थी, ये ईरानी आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, तो ये चेडर चीज़ स्प्रेडेबल, यानी चेडर ही होगी ये, तो स्प्रेडेबल आई थिंक चेडर ही होगी, आप बताइए। मुझे लगता है ये मैं ट्राई करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये चेडर है या मोज़रेला है, तो इसके प्राइस है 175 रुपीज़। तो ठीक है यार, काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है चीज़, तो मुझे ठीक लगी, अगर ये अच्छी हुई तो ये ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक ली है सॉल्ट की या चाट मसाला की, सॉल्ट की मेरे पास, चाट मसाला वाली की है, सॉल्ट डालेंगे इसमें आई थिंक, चाट मसाला पता नहीं क्या करेंगे इसका, ऐसा करेंगे हमें इसको चाट मसाला वाली का इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, चाट मसाला काफ़ी यूज़ में आता है ना, इसमें डालेंगे। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ये, और ये हमारे ग्लासेस हैं, बहुत ही सारे डिजाइन, ये सारे डिजाइन हैं, ये जो डिजाइन पे बने हुए ना ये बॉक्स, ये सारे डिजाइन आपको, बल्कि और भी ज्यादा हैं डिजाइन, अभी ग्लासेस हैं। और ये हम लोगों ने ग्लासेस में ग्लास दिखाए, हमने ग्लास लिए स्ट्रॉबेरी वाले, कितने प्यारे इसके प्रिंट्स, बहुत प्यारे थे। हाँ, प्रिंट्स बहुत अच्छे थे इसके ग्लासेस के।
और कभी कोई गेस्ट आ जाए तो भी चाहिए होते हैं, ज़रूरी ज़रूरत की चीज़ें। और रमादान में तो काफ़ी ज़रूरत होती है इनकी, ज़रूरत का ही हमारा सामान लिया। और ये भी ये तकरीबन 175 के थे तीन गिलास, और तकरीबन फिर 350 रुपये के राउंड ऑफ करके शो हो गए थे। अच्छा ये छोटी, अच्छा अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो मैं वहाँ से इंडिया से लेकर आई थी सना का बड़ा बॉल, और वहाँ पर मुझे ये छोटी छोटी इसकी ना स्ट्रॉबेरी वाली ना कटोरियाँ नज़र आई, बहुत प्यारी लग रही हैं ये, लेकिन ये तीन ही थी। अब नेक्स्ट टाइम हम जाके देखेंगे कि इसकी तीन और आ जाए तो बस वो तीन और ले लेंगे। और ये भी 175 की तीन है कटोरियाँ ना, और इसको भी राउंड ऑफ करके अगर हम करें तो ये हो जाएंगी 350 की ही हो जाएंगी ये भी, छः कटोरियाँ। और ये दिखाई थी मैंने, ये हम लोगों ने ली है, अच्छा हाँ ये दिखाई है ना मैंने। और ये प्लेटर्स कुछ मैंने लिए हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी चीज़ें जमा कर रही हूँ। ये देखें, और ये वाली प्लेटर हमने ली, कितनी प्यारी लग रही है ये। और ये तकरीबन है कितने रुपए इसकी, अम्मी देखें 175 की है शायद, 150 की है ये, तो ठीक है ये यहाँ पर 200 की है मिल रही है ना यहाँ पर, तो 50 रुपीज़ की हमें बचत मिली यहाँ पर। और ये हम लोगों ने एक और प्लेटर ली, ये कितने की अम्मी, 200, ये 200 रुपीज़ की है, हाँ ये 200 रुपीज़ की है, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं मेरे को बोल रही थी वाइट ले लें, लेकिन अम्मी ने ली नहीं। ये रमज़ान की ख़ास तरीन चीज़, अम्मी इसको खोले, ये वाला मिल नहीं रहा था हाँ, और हमें फुल साइज़ का जग चाहिए था जो हमें मिल नहीं रहा था। ये कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, 175 रुपीज़ का जग है ये, और ये फुल साइज़ का जग हमने लिया क्योंकि आपको पता है शरबत वगैरह रमज़ानों में, शरबत वगैरह तो आपको पता ही है बहुत सारा चाहिए होता है, तो इतना बड़ा, तो इतना बड़ा हम कहाँ से लाते हैं, तो बस हमने ये फिर ले लिया। और हम रमज़ान लेते हैं जग बड़े बड़े साइज़ के, और वैसे हमारे पास छोटे जग हैं हमारे पास कांच के भी, लेकिन हमें बड़ा साइज़ का चाहिए था। और बस यही चीज़ है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिएगा, चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा अगर आपको मेरी रमज़ान की छोटी सी ये शॉपिंग अच्छी लगी हो तो, प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ अम्मी, अल्लाह हाफिज़। अभी उनको सबको समेटना पड़ेगा। और ये हम लोगों ने लिया था पायदान, यही बोलते हैं ना हम इसको, तो बस ये भी हमने लिया था, ये भी 175, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसकी प्राइस भी 175 रुपीज़ ही है। पर हम लोग कर रहे हैं अपनी अलमारी को सेट, मैं अलमारी का हाल नहीं दिखा सकती, बहुत बुरा हाल हो गया है। जब भी किसी शादी में जाओ ना तो यही होता है, सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं क्यों सबके। और ये खाली हैंगर वाला पोर्शन है, और उफ़ मेरे अल्लाह, उसको संभालना मुश्किल है। अभी हम लोगों ने ईद की रमज़ान की क्लिनिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि रमज़ान बहुत ज़्यादा करीब आ गए, और बस पूरे घर की डीप क्लिनिंग स्टार्ट हो गई है बस। अब ये कल तक हमारी सारी क्लिनिंग होगी बस, है ना अम्मी। वो अलमारी का हाल बहुत बुरा हो गया, ये शादी में जाओ ना तो उसका हाल बहुत ही बुरा हो जाता है, क्योंकि सारी ना चीज़ें ना निकल जाती हैं, इसलिए उफ़ इनको संभालना। जब मैं आपको दिखाऊंगी जब सारे कपड़े निकल जाते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं किस किस के कपड़े हैं। और मेरा भाई कहता है तुम लोगों को जब भी देखो शादी में जाना होता है तुम्हारे पास कपड़े नहीं होते, और ये कपड़े हैं किसके। और बस हम लड़कियों की यही चीज़ हैं, छोटी छोटी खुशियाँ, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हैं। वही लड़कियाँ तो पहनती ही हैं कपड़े, अब नहीं हो रही होती हैं, ऐसे ही होता है, सारी लड़कियाँ ऐसे ही करती हैं। और हाँ सारी लड़कियाँ ऐसे ही करती हैं, ये ना कुछ लड़कियाँ कंजूस भी होती हैं, लेकिन मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कपड़ों पे पैसे खर्च ना करें। कपड़ों के मामले में मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करती, और ना ही क्रॉकरी वगैरह के ख़रीदने में, वैसे मैं कंजूस हूँ ही नहीं, सबसे बड़ी बात मैं तो कंजूस ही नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं कि मैं, हाँ अम्मी है थोड़ी कंजूस लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, अम्मी मुझे कंट्रोल करती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं अम्मी को कंट्रोल करूँ, मैं अम्मी ही मुझे भी कंट्रोल करती हैं। और बस ये सारे कपड़े बस अब सेट करेंगे, उफ़ क्या होगा इनका, नहीं बस सारे कपड़े सेट कर आते हैं आपके साथ। ये हमारी नान खतियाँ बन गई हैं, और ये सारे 200 रुपीज़ में बनी है, इतनी सारी नान खतियाँ, किसी को खानी है। I see.
Where is cold drink? अब फ्रैंक के हटते हटते जगह से पकड़ते।